अहम खबर है, पीआईए हवेलियां तैयारा हादसे के हवाले से ऑस्ट्रेलियाई सफारतखाने के नुमाइंदे ने अपने शहरी की शनाख्त के लिए डीएनए सैंपल्स पिम्स अस्पताल में जमा करा दिए हैं। डीएनए सैंपल ऑस्ट्रेलियाई शहरी के अहलखाना ने सफारतखाने को भेजे थे। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक डीएनए सैंपल की बुनियाद पर शहरी की शनाख्त की जाएगी। इसी बारे में जानते हैं गौहर महसूद से। गौहर, तफसील बताइएगा। जी सभी, ये जो तैयारा हादसा हुआ था इसमें मुतअद्दद गैर मुल्की बताए जा रहे थे कि इसमें जान बहक हुए हैं। उसी सिलसिले में आसिया के शहरी की भी बात की जा रही थी और उसी शहरी की शनाख्त के लिए उनके खानदान वालों ने इस्लामाबाद में वाकया आसिया के एम्बेसी को अपने डीएनए सैंपल भेजे हैं और उन्हीं सैंपल की बुनियाद पर यहाँ पर पिम्स अस्पताल में डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। वही सैंपल जो आसिया की एम्बेसी है उनके नुमाइंदे यहाँ पर पिम्स अस्पताल में जमा करा चुके हैं और यहाँ पर उसकी बुनियाद पर टेस्ट कराएंगे, जिसकी बुनियाद पर उसकी शनाख्त की जाएगी कि आया ये आसिया के जो शहरी है वो कौन से वाले हैं और कौन सी डेड बॉडी उनसे आसिया शहरी की है। इसी हवाले से यहाँ पर टेस्ट पर काम भी हो रहा है। यहाँ पर जराए ने ये भी बताया है कि मुमकिन तौर पर अभी जो केज के वफाकी वजीर हैं चौधरी साहब, वो भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी हवाले से भी अपडेट बताएंगे कि आसिया का जो शहरी है वो उसकी डीएनए टेस्ट कब तक मुकम्मल हो सकेंगे और इसी हवाले से कब तक उनकी डेड बॉडी फिर हवाले की जाएगी। इसी हवाले से चूंकि गैर मुल्की है और उनके खानदान वाले इसी हवाले से प्रेशर भी अपने एम्बेसीज पे डेवलप कर रहे हैं, उसी सिलसिले में एम्बेसीज हुकूमत के साथ मुसलसल रबते में है और इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द उनकी जो शहरी की डेड बॉडीज की शनाख्त है वो हो सके और उनके हवाले करके वो अपने मुल्क इनकी डेड बॉडीज भिजवा दें अपने खानदान वालों के पास। जी सर, गौहर महसूद, शुक्रिया आपका।